नमस्कार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चंद्रकला मिठाई, और ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही इजीली घर पर बनाई जा सकती है। आज हम लोग घर में इसको आसानी से बनाएंगे। ये बाज़ार में बहुत ही हाइजीनिक मिलती है, पता नहीं कैसा हो, लेकिन हम लोग घर पे इसको बहुत साफ़ सफाई से बना सकते हैं। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक बॉल मैदा, ये बड़ा बॉल लिया है, और ये 100 ग्राम हमने खोया लिया है यानी मावा, और ये चीनी ली है हमने 100 ग्राम, पीस ली है इसे, पिसी हुई चीनी है। यहाँ हमने चिरौंजी ली है और किशमिश ली है, काजू लिए हैं बारीक कटे हुए, पिस्ता लिए हैं बारीक कटे हुए, ये इलायची पाउडर हमने चीनी के साथ पीस लिया था, और ये लिया है हमने कोकोनट ग्रेटेड, और ये हमने बादाम लिया है काट कर, और ये हमने घी लिया है मोयन के लिए। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे बड़ा, और उसमें हम डालेंगे मैदा। मैदे में हमने जो घी लिया है वो डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे, मैदे में घी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए मोयन सही है इसका, हम इस तरह से मुट्ठी बांध कर पता लगा सकते हैं। अगर हमारी मुट्ठी बन जाती है तो हम ये मोयन इसमें सही है। फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम गूंदते रहेंगे, एकदम से पानी नहीं डाल देंगे क्योंकि हमें इसे टाइट रखना है। इस तरह से हम पानी डालते हुए इसका हम एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल टाइट डो तैयार कर लेना है, और इसे हमें गीले कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब हम लोग अपना जो खोया है मावा, उसे हम पैन गरम करके थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे, गोल्डन कर लेंगे इसको। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, नहीं तो ये जल सकता है। देखिए इस तरह से हमें इसे गोल्डन कर लेना है, और इसे हम एक बोल में निकाल के रख लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पिसी चीनी रखी थी उसे हम डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, ये चिरौंजी है, किशमिश डाल देंगे और कोकोनट डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। बादाम डालेंगे, पिस्ता डालेंगे और काजू डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करके हम इसकी ये भरने के लिए हमारा तैयार हो जाएगा। अब हमने जो आटा रखा था उसको हम ले लेंगे, उसको हम एक बार और उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसको छोटी छोटी लोइयां इसकी तोड़ लेंगे। छोटी छोटी पूरियां बनानी है इनकी, इसलिए हम इनकी छोटी छोटी लोइयां लेंगे, और सभी लोइयों को तोड़कर हम फिर से इसको ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद फिर हम एक लोई लेंगे और उसकी छोटी पूरी बेल लेंगे। इस तरह से हमें एक
मिठाई बनाने के लिए दो पूरियों की ज़रूरत है, इसलिए हम दो पूरियां बेल लेंगे। अब इसमें हम बीच में हमारा जो फिलिंग तैयार की है वो रखेंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम रख देंगे इसमें, और उसको बीच में एकदम बीच में सेंटर में कर देंगे, चारों ओर से बिखरा नहीं होना चाहिए। हम दूसरी पूरी उसके ऊपर रख देंगे और उसको अच्छे से पूरी चारों ओर से दबा देंगे जिससे वो चिपक जाए दूसरी पूरी में। देखिए बिल्कुल इस तरह से आप उसको दबा दीजिए। अब कोई इतना बड़ा कटोरी हो जिससे आप काट लीजिए, ज़्यादा बड़ा हो तो भरने वाली जगह से आधा इंच का जगह छोड़कर आप उसको काट लीजिए। आप देखिए इसको इस तरह से मोड़ना शुरू कीजिए। चारों ओर से फोल्ड करते हुए, घुमा घुमा के फोल्ड करते हुए उसको ये डिज़ाइन दे देना है। चंद्रकला गुजिया जो होती है उसका ऐसा ही शेप होता है, इसी तरह से बनाई जाती है। आप उसको एक साइड से उठाइए और दूसरी साइड उधर चिपका दीजिए। देखिए इस तरह से आप इसको पूरा कर लीजिए। इस तरह से आप जितने भी आपको बनानी है सब बना के रख लीजिए। यहाँ पे हमने अभी 4 बनाई है और ये 4 हम बना के आपको दिखाते हैं। फिर हम पैन में तेल गरम कर लेंगे और इसे हम धीमी आंच पर गोल्डन कर लेंगे। धीमी आंच मीडियम होनी चाहिए, बहुत धीमी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से गोल्डन कर लेंगे। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने अपनी चारों गुजिया चंद्रकला तैयार कर ली है, फ्राई कर ली है। अब हम एक बर्तन में चीनी लेंगे 1 कटोरी और उसमें 1 कटोरी ही पानी डालेंगे। इसकी हमें चाशनी तैयार करनी है। इसे चलाते हुए हम 2 तार की चाशनी बना लेंगे। चाशनी गाढ़ी होनी चाहिए इसलिए हम इसे 2 तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। देखिए आप कितनी गाढ़ी है, इस तरह से बना लीजिए। जब चाशनी तैयार हो जाए तो इसमें जो हमने चंद्रकला बना के रखा है इसे हम डिप करेंगे। इस तरह से चम्मच से इस पर चाशनी डाल देंगे, उसे पूरा ही कवर कर लेंगे चाशनी से और निकाल लेंगे तुरंत। देखिए इस तरह से हम सभी गुजिया पे चाशनी डालते हुए फैलाते हुए उसे निकाल लेंगे। देखिए हमने सारी गुजिया तैयार कर ली है, सारे चंद्रकला, और बहुत ही ये टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। आप बिल्कुल इसको इसी तरह से बनाइए। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। ज़रूर बताइए कमेंट में कि कैसी लगी है आपको ये रेसिपी। आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।